नमस्कार, मैं हूं जिया मिश्रा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सुशील सीए कॉमर्स एकेडमी के छात्रों ने मारी बाजी, मेरिट सूची में हासिल किया तीसरा स्थान। रीवा जिले के शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए चर्चित सुशील सीए कॉमर्स एकेडमी निराला नगर के छात्रों ने कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में बाजी मारते हुए अच्छे अंक हासिल किए एवं संस्थान का नाम रोशन किया। संस्थान के संचालक सुशील प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष कक्षा 10वीं में 120 छात्र संस्थान में अध्ययनरत थे, जिसमें कक्षा 10 की छात्रा सिमरन सिंह ने मेरिट सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही 42 छात्रों ने गणित विषय में 100 में से 100 अंक हासिल किया। टॉप 3 छात्रों का संस्थान में मुंह मीठा कराते हुए बधाई दी गई। इस दौरान संस्थान की ओर से पत्रकार बंधुओं को डायरी कैलेंडर भेंट में दिया गया। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। आपकी सफलता के पीछे माँ बाप और उसके बाद आपके गुरुजनों का क्या योगदान था? आपको कैसे उन्होंने क्या किया कि आज आप इस मुकाम तक पहुँच पाए? मेरे पेरेंट्स और टीचर ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं मतलब लिस्ट में मतलब जैसे मेरिट लिस्ट में स्टेट लिस्ट और डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में मतलब मैं अपना स्थान बना सकूं। और उन्होंने मतलब इतना कभी मुझे मतलब डिप्रेस नहीं होने दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, कि तुम कभी मतलब उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती। हमें मतलब मोटिवेट किया। और कैसे पढ़ाई करती थी आप? क्या टाइम हुआ करता था लगभग पढ़ाई का? पढ़ाई मतलब मैं सुबह 4-5 बजे उठकर, उसके बाद हमारी सुबह मतलब 5:30-6 बजे से क्लासेस रहती थी कोचिंग की। फिर कोचिंग आते फिर उसके बाद स्कूल रहते, स्कूल से जाने के बाद रेस्ट और फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई। अच्छा, और भी किसी चीज़ में आपकी रुचि थी, खेल कूद वगैरह? नहीं, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और क्या कहना चाहेंगे अपने जूनियर बच्चों को? बस आप सब कुछ आपके टैलेंट और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, और कभी भी अपने गुरुजनों के साथ ना छोड़ें। कौन सी संस्था चलाते हैं आप? आपके संस्था की एक बेटी, एक बच्ची मेरिट सूची में तीसरा स्थान प्राप्त करके आपका संस्थान का नाम रोशन की है, आपको कैसा लग रहा है? इन बच्चों को हम बहुत बार धन्यवाद देते हैं। इन्हीं रोशन के नाम, इन्हीं के नाम हमारी संस्था का नाम का रोशन होता है। इन बच्चों में जो भी कमियां रहती हैं, हम लोग देखने से हर वीक में वाइट टेस्ट लेकर या किसी कोई भी कमियां होती हैं तो बैठ कर उनको समझाया जाता है। और सबसे विशेष तौर पर आज संडे हम लोग का मोटिवेशन क्लास रखते हैं। इसमें जो भी बच्चे का कोई भी माइनस पॉइंट होता है उसको हम समझाते रहते हैं, जिससे हमारे बच्चे आज जो भी काम हासिल किए हैं इनका श्रेय बच्चों की मेहनत पर जाता है। और हमारे टीचर लगातार मेहनत कर रहे हैं, इनमें हम लोग कोई भी कमियां नहीं रखते हैं। आज जो भी मुकाम हासिल हुआ है सब बच्चों के योगदान के और उनकी मेहनत कड़ी मेहनत से। कितने बच्चों ने अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं 90 के ऊपर? कितने बच्चे आपके संस्थान के पहुँचे 90 के ऊपर? लगभग लिस्ट आधी आई पाई है, आधी नहीं आ पाई है। लगभग उसमें से 28-30 बच्चे ऐसे हैं जो 90 से ऊपर हैं। आज शिक्षा जगत में बहुत सारी कमियां भी हैं और बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, तो आप शिक्षा जगत के लोगों से और छात्रों से क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मैं शिक्षा जगत को एक ही सजेस्ट करता हूँ, या बच्चा आपको पैसा भी मिले उसकी धुरी एक टीचर बनाता है, तैयार करता है, जो जो कि हर बच्चे